दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पे है साइंस की जो है सीरीज चालू की गई है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों जो है आपका यहाँ पे चलाया जा रहा है आपके लिए। बायोलॉजी जो है सर आपको डेली प्रोवाइड करा रहे हैं और केमिस्ट्री तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। तो आप जान रहे हैं कि आपका जो है साइंस का वेटेज जो है आपका 30% है, तो इसको जो है आप थोड़ा सा सीरियसली लेकर आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो होगा आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके रिजल्ट का। और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है कि टोटल जो है रेलवे की जितने भी पेपर हैं, या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या जेई हो, यानी कि ये जो है स्पेशल रेलवे के लिए ही बनाया गया है ये साइंस। आप किसी भी टाइप का रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप जो है पिछले जो पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो आपका ये एलपी का हो गया या ग्रुप डी का हो गया है, चाहे आरपीएफ का हो गया, उसका आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो आपका बिल्कुल रेलवे को फोकस करते हुए बताया जा रहा है आपका साइंस। और मैं आज जो आपको कराने वाला हूँ, जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये हम लोग का सेकेंड चैप्टर चल रहा है, एटोमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। और एटोमिक स्ट्रक्चर में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो इसी वाले टॉपिक से पूछे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया भी हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजिली लिखने आता है तो आपको किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो सीख गए थे, ठीक है। आज जो हम लोग देखेंगे कि आपके एग्जाम में जो पूछा जा रहा है कि आप जो है पीरियड बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमेंट है, वो किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, या फिर आपसे जो है पूछा जा रहा है कि इसका जो है आप वो बताइए, ग्रुप बताइए और ब्लॉक बताइए। तो ये सारे जो चीज़ हम लोग आज निकालने के लिए सीखेंगे कि आप पीरियड कैसे निकालिएगा, ब्लॉक कैसे निकालिएगा और ग्रुप कैसे निकालिएगा। तो ये तीनों चीज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं। ग्रुप जो है हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पीरियड निकालने सीखेंगे किसी भी एलिमेंट का, और ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट का ये हम लोग जानेंगे। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, और एग्जाम में जो है मैक्सिमम जो पूछा गया है आपका पीरियड और ब्लॉक ही पूछा गया है। हर एक सेट में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, दिखाऊंगा भी। और जैसे ही आपका केमिस्ट्री का सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं एक क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा केमिस्ट्री की सीरीज का, ठीक है। जब पूरा सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस ये, तो मैं एक केमिस्ट्री की सीरीज लाऊंगा और उसमें आपको हम जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको फील हो जाए और केमिस्ट्री जो है आपका बेहतर हो जाए, ताकि अब एग्जाम में रेलवे के किसी भी टाइप के एग्जाम के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप जो है वीडियो जो है पीछे का जो है आप जरूर देखें, ताकि ये भी जो है आपका सब्जेक्ट चल रहा है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप जो है कोई भी चैप्टर चालू करते हैं तो स्टार्टिंग से कीजिए, और खासकर जब केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग चैप्टर से ही चालू कीजिए। उससे क्या होगा फायदा कि आपको हर एक चीज़ का एक एक चीज़ समझ में आता जाएगा, तो आगे जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझते हुए पूरी कहानी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अबाव प्रिंसिपल के बारे में हम लोग कल देखे हुए थे कि ये बताते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से होता है, और उसके लिए उन्होंने एक रूल दिया था, एन प्लस एल रूल दिया था। और एन प्लस एल रूल बताता है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जिसकी पहले होगी उसमें पहले जाएगा, यानी कि जब जो जिसमें सबसे कम होगी उसमें पहले जाएगा। इसके बाद इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है सब सेल में फिल किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं कल आपको ये वाला फिगर जो है दिखाया था, जो कि मैं यहाँ पे लिया हूँ फिगर, यहाँ पे ये वाला फिगर मैं कल आपको जो है बनाकर दिखाया था। और मैं आपको बोला था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो हमेशा आप जो है मूव कीजिए कहाँ से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ आप मूव कीजिए, या अपर टू लोअर की तरफ मूव कीजिए। एरो भी आपको यही शो कर रहा है कि आपको जो है ऊपर से स्टार्टिंग करना है। ये बता रहा है कि जो आपका
इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किस आपके सबसेल में पहले जाएगा वो चीज यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये फिगर किस तरह से बनता है वो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। ये मैं आपको पूरा सेल बनाकर यहाँ पे दिखाया था, एन की वैल्यू भी यहाँ पे बनाकर दिखाया था, बताया भी था बाकायदा कि ये वन कहाँ से आता है, ये दो कहाँ से आता है, ये तीन और चार पांच छह सात ये किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया था वहां पे, और एस पी और ये किस तरह से आए हैं ये भी मैं आपको बताया था, यानी कि हमको पूरा आपको ये किस तरह से फॉर्म किया गया है ये हम आपको वहां पे बताए हुए थे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ एक्सेप्शनल हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि यदि क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर चांस रहता है एक्सेप्शनल पूछने का। तो एटलीस्ट आपको 30 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको जो है एक्सेप्शनल में जो भी हैं आपको उसको याद रखना है, और मैं आपके इसके बाद में बताऊँगा किस तरह से आप जो है पीरियड और ग्रुप फाइंड आउट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन से हैं जैसे एक्सेप्शनल है वो। तो देखिए यहाँ पे जो मैं टेबल यहाँ पे बनाया हूँ इसमें आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए आपका जैसे कि 21 से आपका ये 31 तक ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मतलब कि एक्सेप्शनल के केस में आते हैं और क्यों आते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए क्रोमियम है और कॉपर है, ठीक है, क्रोमियम और कॉपर है जो कि आपका एक्सेप्शनल केस में आता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोबाल्ट है, कॉपर यहाँ पे है, तो ये जो है आपका तो क्रोमियम और आपका कॉपर, ठीक है, ये किस में आते हैं एक्सेप्शनल केस में आते हैं। क्यों आते हैं तो देखिए यदि मैं आपका एग्जांपल जैसे कि यही वाला ले रहा हूँ आपका क्रोमियम का, जो कि इसका एटॉमिक नंबर 24 है और इसका जो है 29 है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप 24 और 29 जैसे क्रोमियम की यदि हम बात करें तो जैसा कि अभी आपने देखा कि क्रोमियम का जो होता है आपका क्रोमियम को सी आर से डिनोट किया जाता है और इसका जो होता है 24 होता है, यानी कि जेड यानी एटॉमिक नंबर इसका कितना है 24 है, और इसी के अनुसार हमको क्या लिखना होगा ये अपना एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखिएगा, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ अभी जो रूल कि आप जो है उसी वाले रूल से लिखिए, तो ये कैसे लिखिएगा आप, ये आपका 1s स्क्वायर हो जाएगा, यानी s ब्लॉक में दो हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा आपका 2s स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद 2p6 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा आपका यहाँ पे 3s, ठीक है, 3s स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद 3p6 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 4s, और इसके बाद जो आता है यहाँ पे क्या आता है 3d आता है। यदि आपको ये वाला फिगर जो मैं अभी प्रीवियस दिखाया हुआ था कि किस तरह से जो है इनका एनर्जी लेवल जो है बढ़ता है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसमें क्या होता है कि 3d बाद में आता है 4s पहले आ जाता है। अब देखिए यहाँ तक यदि आप देखिएगा तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 आपका फिल हो चुका है, यानी कि बचा कितना है यदि आप देखें रूल के हिसाब से तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है, तो 18 और 2 कितना हो गया ये आपका 20 हो गया, और इस वाले में कितना आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि स्टेबिलिटी को देखते हुए इस वाले इलेक्ट्रॉन ये जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है ये जो होता है कि 4 कंडीशन में क्या होता है अनस्टेबल कंडीशन में रहता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको स्टेबल करने के लिए चला जाता है और इसका राइट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है 4s1 और आपका 3d5 हो जाता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बाकी यहाँ से यहाँ तक ये सेम रहता है, तो ये आपका किस में हो जाता है स्टेबल के कंडीशन में आता है। तो ये आपका एक क्या है एक्सेप्शनल केस है आपका इस वाले में क्रोमियम वाले में। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। मैं अब बात करता हूँ जो आपका कॉपर है, ठीक है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि 29 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल कॉपर का मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसको Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 29 होता है, यानी कि Z इज इक्वल टू 29 है। इसको भी यदि आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप इसी तरह लिखिएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर या 2 आप बोलिए जो मैं मतलब ज़्यादातर यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा 3p6
और इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा जो 4S, और यहाँ पे आपका जो आएगा 3D आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप यहां से यहां तक देखिएगा तो देखिए 4 2 6 6 2 12 12 6 18 यहां तक भी हो गया है। अब ये जो है यहाँ पे आपको देखना होगा कि यदि 18 है, यदि रूल के हिसाब से चला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 18 और 2 20 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। लेकिन इस केस में भी आपका डी ऑर्बिटल क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले में आ जाता है, तो राइट जो होगा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और आपका 3d10 हो जाता है। तो ये आपका एक्चुअल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपको 1 से 30 के बीच में यही दो आपका एक्सेप्शनल मिलते हैं, जो कि आपका कॉपर और आपका क्रोमियम है। इन दोनों को आपको याद रखना है कि ये दोनों एक्सेप्शनल होते हैं। किस तरह से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि जब थोड़ा सा हायर वाले में भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वैसे आपको यहाँ तक ही याद रखना है, बस ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास लिस्ट है, ताकि आप जो है इसको याद मत कीजिएगा, बस आप देख लीजिए कहीं कभी काम आ जाए। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे जो है ये आपका नियोबियम है, ठीक है। इसके बाद मॉलिब्डेनम है यहाँ पे, इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूथेनियम है। तो ये सारे जो हैं आपके एक्सेप्शनल वाले हैं, जो भी यहाँ पे रेड कलर वाले शो किए गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सेप्शनल वाले हैं। तो इनको भी आप एक बार एक नजर देख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि आपका जो है पीरियड ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पीरियड और ब्लॉक की। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका जो है पीरियड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए पीरियड को किस तरह से निकाला जाता है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप जो है इजिली पीरियड को आराम से किस तरह से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल सोडियम का ले रहे हैं यहाँ पे, जिसका कि एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, ठीक है। यानी कि आपका जेड इजकल टू यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखिएगा तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप जान रहे हैं कि 1s² 2s² 2p6 3s² 3p। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या इतने में ही हो जा रहा है क्या इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग है। तो देखिए 2 2 4 2 6 6 4 10 यहां तक ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको ये आप हटा दीजिए, आपका जो है यहीं तक जा रहा है। अब इसमें भी देखिएगा तो 10 तो इधर हो गया है, यहाँ पे जो है आपका 11 ही है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट में होगा ये कितना जाएगा, यहाँ पे 1 ही होगा, क्योंकि टोटल कितना है इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन को सबसेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया। अब पूछा जाए कि इसका पीरियड क्या होगा, तो देखिए पीरियड जो होगा आपका तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन लास्ट सेल, ठीक है, या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन कहिए। तो देखिए यहाँ पे यदि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन देखा जाए तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन कितना दिख रहा है आपको, तो एन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए ये जो दिखाता है आपका, ये आपका दिखाता है क्या कि किस ऑर्बिट की बात हो रही है। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये आपका थर्ड ऑर्बिट सेकेंड, और ये थर्ड ऑर्बिट। तो एन की जो लार्जेस्ट, ये एन ही की वैल्यू होती है, तो एन की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है। यानी कि पीरियड की बात किया जाए तो किस पीरियड में आता है आपका, ये जो आएगा आपका पीरियड नंबर 3 में आएगा। वैसे भी आप देख जानते हैं कि आप जब लिखते हैं पीरियोडिक टेबल आपको मालूम होगा, तो हेलिना कर रब से फरियाद आगे जो है आपका आता है, तो ये आपका पीरियड 1 होता है, ये आपका पीरियड 2 होता है, और ये आपका पीरियड 3 होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो कहलाता है आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला होता है पीरियोडिक टेबल में, ये क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। और ये जो वर्टिकल वाले होते हैं ये कहलाते हैं ग्रुप, ठीक है। तो ये यदि बात किया जाए किस पीरियड का है, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये थर्ड पीरियड में आएगा, ठीक है। और आपका जो है ये आपका यहाँ पे ये थर्ड पीरियड होगा। मैं मतलब कि आपको पीरियोडिक टेबल के साथ भी एक मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल ही है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको भी मैं अच्छी तरह से करवाऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे पीरियड कितना हो गया आपका 3 हो गया, और एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है।
जैसे कैल्शियम ले ले रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन यदि लिखा जाए तो किस तरह से लिखिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6। इसके बाद देख लीजिए यहां तक आप जब आइएगा तो ये आपको जो है 18 इलेक्ट्रॉन जो है फिलिंग हो चुका है, 18 इलेक्ट्रॉन का क्या है, फिलिंग हो चुका है। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और नेक्स्ट जो आपका सेल आने वाला है, सबसे आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, आपका 4 आने वाला है, यानी कि 4s आने वाला है, 3s 3p, इसके बाद 4s आता है और इस वाले में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कितना जाएगा आपका, 2 जाएगा। तो यहां से देखिए आपका 10 ये हो गया और 10 ये हो गया, टोटल आपके जो 20 इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए सब सेल में, ठीक है। यानी कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं यहाँ पे। अब पूछा जाए कि पीरियड बताइए, तो जहां आप डायरेक्ट देखिए कि एन की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा इसका, पीरियड 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका पीरियड, आज इसका पीरियड यदि पूछा जाए तो पीरियड नंबर 4 में ये कैल्शियम आएगा। यदि आपको पीरियोडिक टेबल मालूम है तो इसके लिए भी आप देखिएगा, तो आपका जो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप जो आता है उसमें आप देखिएगा सेकंड ग्रुप में ही आपको मिल जाएगा पीरियड नंबर 4 में। तो ये देख सकते हैं कितना मतलब इजी आप लिख सकते हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, टोटल नहीं दे रहा हूँ आपको। जैसे आप देखिए ग्रुप 2 में देखिएगा तो आपको ये मिलता है आपका बेटा मांगेकर सर्त बाप राजी MG, और इसके बाद क्या आता है आपका यहाँ पे CA आता है, ठीक है। ये चूंकि सेकेंड एलिमेंट होता है इसमें ग्रुप में, तो ये आपका सेकेंड ग्रुप होता है, ये आपका थर्ड ग्रुप होता है और ये आपका जो है फोर्थ ग्रुप होता है। तो आप जो है आपके पास जो पीरियोडिक टेबल होगा उसमें भी आप जो है देखते जाइएगा, यहीं से आपका जो है बेस जो है बनता जाएगा पीरियोडिक टेबल के लिए और आपका सारा ग्रुप जो है आपके पूरे दिमाग में हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको जो है इस पर अच्छी तरह से जोर देकर पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, कोई एक और ले लीजिए यदि आपको जो है एग्जाम्पल लेना है, जैसे कि आप ले लीजिए, जैसे अभी हम लोग जो लिए हुए थे किसका लिए थे, क्रोमियम का लिए हुए थे, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है 24 का, इसका हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम का देखिए क्या होता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 4s1 आता है, ठीक है, याद है आपको। और यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे 3d, इसमें आप बताइए कितना आता है, 5 आता है। आप काउंट कीजिए, 24 हो गया क्या, 10 यहाँ पे हो गया आपका, इसके बाद 12 6 18 18, और ये इधर आपका 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, 24 हो चुका है। ये एक्सेप्शनल का केस है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि ये किस पीरियड का आता है भाई, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका पीरियड क्या आ रहा है यहाँ पे, तो पीरियड जो है एन की वैल्यू हाईएस्ट कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे, 4 दिखाई दे रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 4th पीरियड में हो जाएगा। अब आपके पास जो पीरियड वाला होगा आप इसमें जो है देख सकते हैं जो आपका पीरियोडिक टेबल होगा कि ये 4 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप देखिएगा तो 4 में आएगा। तो इस तरह से इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल है। चाहे आप कॉपर का भी देख सकते हैं, कॉपर का भी यहाँ पे देख लीजिए, आप कॉपर का 29 होता है, ठीक है, इसी तरह आप लिखिएगा। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए। तो 1s2 2p6 2s² 2p6, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इरेज कर ले रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे देखने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4s, और यहाँ पे 3d, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4s जो है, यहाँ पे 4s में टोटल कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे जो होगा आपका कितना होगा, 10 होगा, याद है आपको, इसी तरह लिखे हुए थे। अब इसमें पूछा जाए कि इसका पीरियड क्या होगा, तो आप देख बता सकते हैं डायरेक्ट पीरियड क्या होगा इसका, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये इसका पीरियड 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पीरियड लिखना अच्छी तरह से याद आ गया होगा, मतलब सीख गए होंगे आप, और किसी भी एलिमेंट का आप इजीली लिख सकते हैं। बस उसका ये मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है, और आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है, ये दो चीज आपको मालूम होना चाहिए, तो आप पीरियड बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, ब्लॉक को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझेंगे, इसके बाद डिफिनेशन को देखेंगे,
और डिफिनेशन को भी अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे जब ब्लॉक इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। सपोज जैसे कि आप स्टार्टिंग करते हैं हम सोडियम से, सोडियम का आपका कितना होता है 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे आपका 1s2 2s2 2p6 और आपका 3s1 यही था आपका। तो ये आप देखिए यहां पे आपको जो है यहां पे, तो यहां पे जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं। अब यहां पे पूछा जाए कि आपका जो है पीरियड पूछा जाए, तो पीरियड आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड जो होगा आपका 3 होगा क्योंकि एन की वैल्यू हाईएस्ट यहां पे 3 ही है, ये आपका 3 है। इसके बाद यदि पूछा जाए कि आपका जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, तो देखिए ब्लॉक इसमें क्या होता है, तो ब्लॉक जो होता है कि आपका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिएगा, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है किस सब सेल में जा रहा है उस सब सेल का वो एलिमेंट कहलाता है। जैसे यहां पे देखा जाए कि जो आपका लास्ट का सेल है, ठीक है, सॉरी लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है, वो किस सब सेल में जा रहा है, एस सब सेल में जा रहा है, तो इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, एस ब्लॉक होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिस सब सेल में जाता है वही सब सेल उस एलिमेंट का ब्लॉक होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यही चीज यहां पे आपका जो है इंग्लिश में लिखा गया है, आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू विच सब सेल ऑफ द एलिमेंट दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक। और यहां पे मैं आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास किया हूं। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक और एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि आप ले लीजिए कैल्शियम ही ले लीजिए या और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे मैं बात करूंगा कि आप इसका किस तरह से लिखिएगा, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहां तक आप जो है देख रहे हैं कि 18 जो है इलेक्ट्रॉन आपके जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं सबसेल में, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो ये आपका 4s2 हो जाएगा। अब ये काउंट कीजिएगा तो आपको टोटल 20 इलेक्ट्रॉन का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। तो देखिए यहाँ पे यदि हम पूछे कि पीरियड बताइए, तो पीरियड क्या हो जाएगा आपका, एन की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 4 है, तो यहाँ पे आपका ये पीरियड हो गया। यदि मैं बात करता हूं कि अब ब्लॉक बताइए इसका, तो देखिए ब्लॉक क्या मैंने बताया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में गया है वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो यहां पे देखा जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 2 ये इलेक्ट्रॉन थे किस सब सेल में गए हैं, इस सब सेल में गए हुए हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो आप पीरियोडिक टेबल में भी देखिएगा तो ये आपका जो ब्लॉक होगा वो दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ताकि आपका जो है कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे क्रोमियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं 24, ठीक है, इसको अभी आपने लिखा था किस तरह से लिखते हैं इसका, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1s स्क्वायर यानी 2 2s 2 3s सॉरी 2s यहां पे 2p6, इसके बाद आपका 3s स्क्वायर 3p6 और यहां पे 4s1 था और यहां पे आपका 3d5 था। उम्मीद करता हूं यही था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पीरियड पूछा जाए तो आप डायरेक्ट पीरियड बता सकते हैं, अभी हम लोग देखे थे कि पीरियड क्या है, एन इक्वल टू हाईएस्ट जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे पीरियड आपका 4 हो गया। यदि अब मैं बात करूं कि ये किस ब्लॉक का है, ठीक है, किस ब्लॉक का है, तो मैं आपको बताया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस सब सेल में जा रहा है वो आप देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे देखिए डी सब सेल में जा रहा है, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा आपके पास, ब्लॉक जो होगा आपका डी हो जाएगा। तो देखिए मैं अपने तरफ से आपको जो है बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश किया हूं कि आप जो है पीरियड ब्लॉक आप किस तरह से फाइंड आउट कीजिए, और मैं जानता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, या आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां पे मैं 2 एग्जाम के क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, और बाकी सारा जो मैं क्वेश्चन का सीरीज कराऊंगा तो वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो यहां पे मेरा दिखाने का मकसद बस ये रहता है कि आप ये समझिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए और पढ़िए आप, ठीक है।
क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, तो उसमें जो है आप ज्यादा वेस्ट ना करें टाइम, जो आपके एग्जाम रिलेटेड है वहीं पढ़ें आप। पहले पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको जो है क्या फाइंड आउट करना है, आपका ब्लॉक फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका ब्लॉक फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पे वो बता देना चाह रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे वो जो आपका अफबाउ प्रिंसिपल का था, किस तरह से एनर्जी का मोमेंट होता है वो मैं दिखा दे रहा हूँ पहले। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि स्टार्टिंग जो होता है आपका 1s से होता है, फिर इसके बाद क्या होता है 2s होता है, 2p होता है, इसके बाद जो है आपका 3s होता है, 3p होता है, और 3 आपका यहाँ पे d होता है, फिर इसके बाद क्या होता है 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, और यहाँ पे 4f होता है। इसी तरह आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, और यहाँ पे 5f होगा। इसी तरह आगे बढ़िएगा तो 6s होगा, 6p होगा, 6d होगा, और यहाँ पे 6 आपका 6f होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है हम लोगों का काम हो जाएगा जितना यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने बोला था कि एनर्जी का जो आपका फीलिंग होता है वो क्या होता है, इनकर्जिंग ऑर्डर में आपका अप टू डाउन होता है, ठीक है। आप जो है अप टू डाउन यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। ये आप जो है इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको जो है ये हमेशा के लिए माइंड में आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपका एलिमेंट ज्यादा मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, यहाँ पे 58 है, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी है आपकी, 58 है। अब इसी वाले मतलब रूल के अनुसार जो है आप इलेक्ट्रॉन का फील स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है देखिएगा आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा, फिर किस में जाएगा आपका 2s में जाएगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा, फिर इसके बाद किस में जाएगा आपका 2p में जाएगा, इसके बाद यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फील हो जाएंगे, फिर इसके बाद किस में जाएगा 3s में जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन फील हो जाएंगे, इसके बाद किस में जाएगा आपका 3p में जाएगा, इसमें जो है आपके 6 इलेक्ट्रॉन फील हो जाएंगे, इसके बाद 4s में जाएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके बाद अब कहाँ जाएगा आपका 3d में जाएगा, 3d में कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, इसके बाद किस में जाएगा 4p में जाएगा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, इसके बाद 5s में जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद किस में जाएगा 6s में जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5s तक हो गया था आपका, यानी यहाँ तक हो गया था 5s के बाद जो है 4d में जाएगा, यहाँ पे जो है आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो होगा क्या होगा आपका 5s तक यहाँ तक आ गया, इसके बाद कहाँ जाएगा आपका, ये आपका 4d में जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4d, यहाँ पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, इसके बाद किस में जाएगा आपका 5p में जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इसके बाद जो है आपका 5p के बाद कौन सा आ रहा है, 6s आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s में जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, या आप एक स्थान और बढ़ जाइए 4f, जो कि आपका ये इस तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट हो रहा है ये इस तरह से हो रहा है, ये जो है आप इस तरह से जाइए, फिर इसके बाद यहाँ से जो है आप इस तरह से जाइए, फिर ये जो है आप इस तरह से जाइए, इसके बाद ये इसी तरह आगे आप बढ़ते जाइए, ये वाला जो है आप फिर इस तरह से जाइए, फिर यहाँ से जो है आप इस तरह से जाइए, और फिर यहाँ से आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग, यहाँ तक हम आ गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप काउंट कीजिए, तो यहाँ तक आपको 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे 12, 6, 18, 2, 20, 20 और 10, 30, 30, 6, 36, 36, 2, 38, 38, 10, 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, मतलब कि 56 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे आपके लास्ट वाले में चले जाएंगे, यानी कि F में चले जाएंगे। अब यहाँ पे यदि पीरियड पूछा जाए कि कौन सा पीरियड का ये ग्रुप है, और आपसे पूछा जाए कि किस ग्रुप मतलब किस ब्लॉक का है, तो पीरियड देख रहे हैं आप N की वैल्यू हाईएस्ट देख लीजिए यहाँ पे कितना है, तो हाईएस्ट देखिएगा N की वैल्यू, तो यहाँ पे 6 आया है, यानी कि ये पीरियड किसका हो जाएगा आपका 6 पीरियड का हो जाएगा, ठीक है। और आपसे ब्लॉक पूछा जाए तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस वाले सबसेल में जा रहा है, तो एफ सबसेल में जा रहा है, लास्ट वाला जो है किस समय जा रहा है आपका, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका
एफ सब सेल में जा रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, यानी कि एफ सब जिस भी सब सेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वहीं उसका ब्लॉक होता है। तो इस वाले में आपका दो इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है, फिल किया गया है वो किस में किया गया है, एफ ब्लॉक में, एफ सब सेल में किया गया है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो यदि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान लग रहा होगा तो ये क्वेश्चन करना भी आसान लगेगा, यदि आपको उसमें दिक्कत आ रही होगी तो आप जो है इस क्वेश्चन को करने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कीजिएगा। किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, उस वाले में हम इसको अभी मिटा नहीं रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपके आरआरबी मतलब कि रेलवे में, इसमें देखिए आपका क्या दिया गया है, आपका 56 दिया। इसी टाइप का बहुत सारा सीरीज चलाया गया है, किसी में 56, किसी में 23, किसी में 26, किसी में 55। तो यदि आपको जो पैटर्न यदि मालूम है तो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे जो है इजिली बन जाएगा। यदि इसमें पूछा जाए कि आप बताइए कि 56 का जो है किस ब्लॉक का है ये एलिमेंट या किस पीरियड का है, हो सकता है इस बार पीरियड पूछ ले क्योंकि ब्लॉक पूछ चुका है, तो आपको जो है पीरियड किस तरह से निकालना है तो मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ आपका। देखिए पीरियड यदि पूछा जाए सबसे पहले तो आप यहाँ तक ये देखिए इसको आप मिटा दीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए आप काउंट कीजिएगा तो 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 20, 10, 30, 36, 36, 2, 38, 38 और इस यहाँ पे 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा आपका 54 और 54 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। तो 56 तक एलिमेंट जो है आपके मतलब कि 56 इलेक्ट्रॉन जो है आपके फिल हो चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो दिया गया है आपको वो क्या दिया गया है 56 ही दिया गया है, यानी कि 56 इलेक्ट्रॉन जो है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है यहाँ पे ये हम लोग लिख लिए। अब इनका हम लोग पीरियड निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम देखा जाए तो एन की वैल्यू 6 ही है, तो यहाँ पे जो आपका पीरियड होगा वो भी सेम रहेगा 6 रहेगा। लेकिन आपको ब्लॉक देखिए, अब तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस सब सेल में जा रहा है, तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं एस सब सेल में जा रहा है, यानी कि इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, अब ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत इजी होता है, आप बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका जो है सीख लीजिए, यही वाला है, दो चार बार खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, और इसके बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ग्रुप वैसे बहुत कम आता है, ज़्यादातर पूछा जाता है पीरियड और जो है आपका ब्लॉक ही पूछा जाता है, ग्रुप में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, वो भी मैं आपको कल बता दूंगा तो ईजी लगने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।